आज के इस वीडियो में सीखने वाले इस टाइप फोटो एडिटिंग, जैसे आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं कि फेस को वाइट कैसे करें और फेस को स्मूथ कैसे करें। चलो आए टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप इस पिक्चर को लाइटरूम में ऐड करते हैं। इस वाले ऑप्शन पे सेंड, हेड टू लाइटरूम। आप यहाँ लाइट वाले ऑप्शन पे आए। फ्रेंड, इस पिक्चर में थोड़ा सा डार्कनेस ज़्यादा है और शेडो की भी इसमें कमी है। सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को ख़त्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंट्रास्ट को मन पी 34 तक ठीक है, और इसके बाद शेडो को मन पी 46 और वाइट्स को भी कम करते हैं और ब्लैक को प्लस साइड वाले साइड पे मन पी 35 तक प्लस सॉरी 35 तक ठीक है। अब कलर मिक्स ऑरेंज पे आए, ऑरेंज की सैचुरेशन को मन पी 13 और लुमिनेंस को 53 तक ठीक है। डन। इस वाले ऑप्शन पे आए, शेयर टू ऑटोडेस्क स्केच बुक। फ्रेंड्स, अब हम इस ही ऐप के जरिए फेस को स्मूथ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेयर वाले ऑप्शन पे आए, पिक्चर पर क्लिक करें और इसका एक डुप्लीकेट लेयर ले। ठीक, अब फ्रेंड्स, अब ब्रश वाले ऑप्शन पे आए और ब्रश को सेलेक्ट करें, इसी ब्रश को सेलेक्ट करें, स्मज ब्रश को सेलेक्ट करें और इसकी सेटिंग को नोट कर ले। साइज आप लोग अपने पिक्चर के हिसाब से तब्दील कर सकते हो। फ्लो 5, 6 तक, 7, 6 तक ठीक है और स्ट्रेंथ 8 काफी है। आप पिक्चर को थोड़ा सा जूम करें, इस तरह जूम कर ले। आप अपनी उंगली को उठा उठा कर इस तरह फेस पर चलाए। देखो कितना बढ़िया फेस स्मूथ हो रहा है। बालों को टच न करें, इससे पिक्चर क्या होता है, खराब हो जाता है। फ्रेंड्स, आप ब्रश की साइज को थोड़ा कम करते हैं, यहाँ तक ठीक है। फ्रेंड्स, नोज पर आप लोग जितना ज़्यादा एहतियात से करोगे, आप लोगों की पिक्चर उतना ही बढ़िया स्मूथ होगा। जिस तरह नोज का स्टाइल है, उसी स्टाइल के मुताबिक आप लोग इस पर अपनी उंगली उठा उठा कर स्मूथ करें, उसी इसी तरह। फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेता हूं ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। फ्रेंड्स, मैंने फेस को स्मूथ किया है, आप लोग देख सकते हो, पहले कुछ इस तरह था और अब कुछ इस तरह है। अब क्या करें, लेकिन पहली दफ़ा फेस इतना बढ़िया स्मूथ नहीं हुआ है, अब इसको हमने दोबारा फेस को स्मूथ करना है। इस ब्रश वाले ऑप्शन पे आए और इसकी आप क्या करें, स्ट्रेंथ को 2 और फ्लो को भी 2 ठीक है, और साइज आप लोग अपने पिक्चर के हिसाब से चेंज कर सकते हो। आप इस पिक्चर को दोबारा जूम करें और साइज को थोड़ा सा बढ़ाएं और दोबारा इस तरह उंगली को उठा उठा कर फेस पर फेरना शुरू करें।
ऐसे पिक्चर बहुत ही बढ़िया स्मूथ हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, फेस कितना बढ़िया ही स्मूथ हुआ है, वो भी चंद ही मिनटों में। फ्रेंड्स, आप इस पिक्चर को लाइट रूम में शेयर करते हैं अदर्स, एड टू लाइट रूम, इनपुट हो चुका है लाइट रूम में। अब मैं इस पर एक प्रीसेट यूज करूंगा, आप लोग इस प्रीसेट को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स, वन ही क्लिक में फेस का कलर एडजस्टमेंट कितना बढ़िया हुआ है। अब इसमें हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, डिटेल पे आए और नॉइज रिडक्शन को थोड़ा कम करेंगे, 18 तक ठीक है, और शार्पिंग की डिटेल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और रेडियस को भी और शार्पिंग 50 तक ठीक है। देखो दोस्तों, पिक्चर कितना ही बढ़िया। अब यहाँ पे आए तो वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यहाँ तक तो ठीक है, और सैचुरेशन भी थोड़ा सा। फ्रेंड्स, वन ही क्लिक में हमने पिक्चर का कलर एडजस्टमेंट किया है। आप लोग इस प्रीसेट को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। इस वाले ऑप्शन पे आए, एक्सपोर्ट हिज, अब पिक्चर एक्सपोर्ट हो रहा है यानी सेव हो रहा है।